राजस्थानी बाटी दाल बनाने के लिए हमें चाहिए जो बाटी के साथ हम दाल खाते हैं वो मूंग दाल और उसके अंदर चना दाल डाल के बॉईल किया हुआ है 3/4 कप, प्योर घी, पुदीना, विनेगर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ड्राई नीम लीव्स, जीरा, हींग एंड राई। राजस्थानी दाल बनाने के लिए हमें चाहिए ये दाल जो हम बना रहे हैं वो बाटी के साथ में, खोवा रोटी के साथ में, जाड़ी रोटी के साथ में खाई जाती है। हमने एक पैन रखा है गैस पे, उसमें हम 2 टेबलस्पून प्योर घी ले रहे हैं। उसमें घी की मात्रा ज्यादा होती है, आपको अगर कम करना है तो आप कर सकते हो। घी गर्म होने पे हम उसमें थोड़े नीम लीव्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग डाल रहे, 1/2 टीस्पून राई डाल रहे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल रहे। अब इसमें हम 3/4 कप दाल डालेंगे, उसमें हमने 1/4 कप मूंग की दाल को और 1 टेबलस्पून चना दाल को भिगो के हमने कुकर में 4 से 5 विसल बजा लिए। हमें इसे घोटना नहीं है, हमें ऐसे के ऐसे जो दाल बफी है वही दाल इसमें डालनी है। हमने उसको बिल्कुल भी पानी डाल के वगैरह कुछ भी हिलाना नहीं है। हम जब ये दाल बनाएंगे तब पानी जरूरत होगी तो हम डाल देंगे। अभी मैंने 3/4 कप दाल ली है बॉईल की हुई। हम नॉर्मल दाल बनाते हैं तब उसको अपने मथानी से या घोट लेते हैं, तो इसमें घोटने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही डालना है ताकि वो दाल का जो अंदर का मतलब एक जो दाना होता है वो पूरा पूरा और आखा दिखाई दे हमको। बाटी के साथ जनरली वैसी ही दाल खाई जाती है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप जितना हमने पानी डाला है। आप देख सकते हैं दाल का दाना पूरा हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें मसाले करेंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे, 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डाल रहे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल रहे और 1 टीस्पून हम गरम मसाला डाल रहे। दाल को धो के हमने 10-15 मिनट भिगो के रखा था, फिर सीधा कुकर में 4 से 5 विसल में हमने उसको तैयार कर दिया है दाल को बॉईल करके। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हम पुदीना है ड्राई, उसको हम हाथ से क्रश करके डाल रहे हैं। हमारी दाल बॉईल हो गई है, हमें विनेगर ऐड करना है बट गैस बंद करके हम विनेगर डालेंगे। हमने गैस बंद कर दिया, अब हम 1 टीस्पून जितना विनेगर ऐड कर रहे हैं, नहीं तो आप लेमन खाते हो अगर तीखी में भी तो आप लेमन जूस डाल सकते हो। तो हमारी बाटी के साथ जो खाने के लिए दाल आती है राजस्थानी मूंग दाल वो बन के तैयार है। हम इसे एक बाउल में निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारी दाल बनके रेडी राजस्थानी और उसमें भी दाल हमारे दाने पूरा दिख रहा है। हमें ऐसे ही दाल तैयार करनी है। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे, तो तैयार है हमारी राजस्थानी मूंग दाल जिसे हम बाटी के साथ में, पराठे के साथ में, खोवा रोटी के साथ में या जाड़ी रोटी के साथ में खा सकते हैं। रोज का सवाल क्या बनाए, पाए उसका जवाब। डाउनलोड करो सुबह 9 ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।